खेलते वक्त जैसे ही बादल की गरज सुनाई दे, एक दूसरे से दूरी बनाते हुए ऐसे हाथ कान पर रखना है और पैरों को यूं मिलाते हुए उकड़ू बैठ जाना है, ताकि तेज आवाज से कान बच सके और जमीन पर ऐसे बैठने से बिजली गिरने का खतरा कम हो सके। ए बाऊजी, क्या हुआ? ये बच्चे हमारी नकल काहे कर रहे हैं? ये नकल नहीं है, बिजली जब बहुत करीब होती है तो ये उससे बचने का तरीका है। अब तुम सर मत खाओ, दरबे की तरफ भागो। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे, तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों, बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से फंस गए खेत में ऐसे मौसम में। आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ये का उकड़ू बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ उकड़ू, बन जाओ उकड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे, तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों, बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।